विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तम की गुलामी, रज की गुलामी, सत की गुलामी, तीनों से जब आप मुक्त होते हो तो आपको आपका लक्ष्य क्लियर होगा। लक्ष्य क्या है आपका? निर्गुण बनना। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं, हे परमात्मा, मैं अपने मन को कमल की तरह खोलना चाहता हूँ, कमल की तरह खुलना चाहता हूँ, ताकि अनंत प्रेम मुझ में भर जाए, अनंत प्रेम मुझ में भर रहा है, यह प्रेम मैं सूरज की तरह किरणों के रूप में सब तक पहुंचा रहा हूं, सब तक पहुंचा रहा हूं। हे ईश्वर, मैं इस विचार से छुटकारा पा रहा हूं, जिस अनुसार यह मान्यता बनी थी कि प्रेम बाहर से पाया जाता है और मुझ में प्रेम नहीं है, यह गलत मान्यता थी कि दूसरों का प्रेम ही मुझे दुखों और बीमारियों से बचा सकता है। हे ईश्वर, मुझे इस अज्ञान के लिए क्षमा करें, मेरा अज्ञान दूर हो रहा है, दूर हो रहा है। हे ईश्वर, तुमने सब में प्रेम भरा है, मैं उस प्रेम को कमल और सूरज की तरह लोक कल्याण के लिए फैला रहा हूँ, फैला रहा हूँ। कृपया मुझे मदद करें, कृपया मुझे मेरी गलत सोच के लिए क्षमा करें, क्षमा करें, मुझे माफ करने में मदद करें, मदद करें, मुझे साफ करने में मदद
करें, मदद करें, मेरा इंसाफ करें, इंसाफ, अंदर से मुझे साफ करें, साफ करें। हे परमात्मा, प्रेम में स्वास्थ्य ऊर्जा होती है, मैं उस ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, मैं उस ऊर्जा को, शुभ्र प्रकाश को पूरी पृथ्वी पर आते हुए देख रहा हूँ, देख रहा हूं। शुभ्र प्रकाश के पृथ्वी पर उतरने की वजह से चेतना का सुनहरी प्रकाश पृथ्वी से बाहर आने लगा है, पृथ्वी से बाहर आने लगा है। मैं उस सुनहरी प्रकाश में सबको भरते हुए देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। सब लोगों में मैं भी चेतना के सुनहरी प्रकाश में स्वास्थ्य पा रहा हूँ, स्वास्थ्य पा रहा हूँ। इस तरह कृपया सबकी मदद करें, सब पर कृपा करें, सबको स्वस्थ करें। शुभ्र प्रकाश के तेज में हर महामारी समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है। शुभ्र प्रकाश के रंग में हर जीव स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मेरी इस कल्पना को बल दो हे ईश्वर, मेरी इस कल्पना को साकार करो। यह कल्पना हकीकत में बदल रही है, बदल रही है। मैं आपका दिल से आभारी हूँ, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। दूसरे तरह के लोग जहां रेत है, यानी रजोगुण, रजोगुणी, रजोगुणी कैसे लोग होते हैं, जो शांत नहीं बैठ पाते,
उनको कोई ना कोई काम चाहिए ही, कोई ना कोई कार्य करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, बैठ ही नहीं सकते। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी इच्छा पूरी करने में लग गए। उनको कहो ध्यान में बैठो, बैठ नहीं पाएंगे। आंख बंद करके ध्यान में बैठो मुश्किल है। अब ये रजोगुणी है, तमोगुण से कुछ बेहतर, मगर फिर भी रेत है। आंख में रेत गई तो अंधाधुंध कार्य होता है। जीवन भर ये लोग काम करेंगे, मगर बिना पृथ्वी लक्ष्य पाए पृथ्वी से जाएंगे। इनके द्वारा लोगों का लाभ होगा, मगर वे खुद बिना पृथ्वी लक्ष्य पाए पृथ्वी से जाएंगे। रजोगुणी इस तरह के लोग होते हैं। सत्वगुणी कैसे लोग हैं? जहां अच्छा दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे कोई बुरा ना कहे, ऐसे लोग होते हैं, सभी की नजर में मैं अच्छा दिखूं, अच्छा दिखना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे तम को रज को बैलेंस कर पाते हैं, काम भी करते हैं, आराम भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, इसलिए मैं लोगों से बेहतर हूं, बाकी लोगों से मैं बेहतर हूं, यह सूक्ष्म अहंकार होता है। यह उन्हें पकड़ में नहीं आता। सैंडल और चंदन में फर्क वे नहीं समझ पाते, क्योंकि सत्वगुणी होना अच्छी बात है, उस पर लोग तारीफ करते हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सज्जन हो, तो वो इतना अच्छा लगता है कि इंसान वहीं रुक जाता है, सत्वगुण से आगे बढ़ता ही नहीं है। जब आप इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, तीनों से मुक्त होना, इसलिए कहा गुलामी से मुक्त होना, तम की गुलामी, रज की गुलामी, सत की गुलामी, तीनों से जब आप मुक्त होते हो तो आपको आपका लक्ष्य क्लियर होगा। लक्ष्य क्या है आपका? निर्गुण बनना, निर्गुण। ईश्वर के लिए शब्द आपने सुने होंगे, निर्गुण निराकार, ऐसे शब्द क्यों आए? निर्गुण का अर्थ तम रज सत, ये गुण ये हर इंसान के अंदर होते हैं। जब आप नींद में जाते हो तो तमोगुण का इस्तेमाल करते हैं, जब आप कार्य करते हो रजोगुण का इस्तेमाल करते हैं, जब आप दोनों को बैलेंस करके जीवन सात्विक बनाते हो तब आप सत्वगुण का उपयोग करते हैं। मगर तीनों में ही रहे तो भी आप लक्ष्य से दूर हैं। तीनों के पार जाना लक्ष्य है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।